देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। अब की बार महंगाई पर वार का नारा देने वाले मोदी सरकार के राज में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ जुलाई के ही महीने में लगभग 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 से लेकर 110 रुपये प्रति लीटर के बीच चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली बेसिक चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई के बोझ तले दबकर लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपना अपना गुस्सा खुलकर जाहिर करने लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार खुद प्रधानमंत्री की तस्वीरें सब जगह से हटवाने का आदेश दे सकती है। भ्रमित लोकप्रियता अब जनाक्रोश का रूप ले रही है। इस ट्वीट में शंकर सिंह वाघेला ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के सामने लोग माथा टेक रहे हैं। पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोग अपना सर पकड़कर सरकार का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब यह है कि 2 मई को देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसके बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। 4 मई से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार द्वारा 40 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। खासतौर पर डीजल के दाम बढ़ने से राशन के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामान की आवाजाही के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिसके चलते बाजार में अब दाल सब्जी भी महंगे रेट पर मिल रही हैं। अगर देखा जाए तो देश में ये स्थिति बेहद गंभीर है। भारत में ज़्यादातर लोग 10,000 या उससे कम सैलरी में काम करते हैं, जिससे वो कमरे का किराया और बाकी की जरूरत का सामान लेते हैं। ऐसे में देश की जनता पर बोझ बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो देश में कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.